आप सभी को जय मसीह की। आज एक नया टॉपिक जो हम सीखेंगे वो है विश्वास। आज हम देखेंगे कि विश्वास क्या है, विश्वास क्यों होना चाहिए, विश्वास होने के फायदे क्या है, विश्वास कहाँ से मिलता है और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, आदि बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वास क्या है। सभी लोगों के अंदर विश्वास होता है, लेकिन विश्वास अलग अलग चीजों पर या अलग अलग बातों पर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तब हम विश्वास करते हैं कि वो डॉक्टर हमें चंगा कर सकता है और डॉक्टर की दवाई हमारी बीमारियों को दूर कर सकता है, इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। या जब हम एक बस में बैठते हैं या मेट्रो में बैठते हैं, हमें उस ड्राइवर पर विश्वास है वो हमें सही सलामत मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार सारे लोगों के पास विश्वास है। लेकिन आज हम मसीही लोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोग जब विश्वास कहते हैं तो विश्वास का परिभाषा क्या है। बाइबल में इब्रानियों का किताब उसका 11वीं अध्याय और उसकी पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। इस आयत के अनुसार हम कुछ बातों पर आशा करते हैं जो हमें देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन आशा की हुई बातों पर हमें पूरा निश्चय है कि हमें वो बातें मिल जाएगी। अब वो बातें क्या है? उदाहरण के लिए, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर जिंदा है। और हम क्या समझते हैं? हमें पता है कि यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए हमारे पापों के लिए मारा गया और यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। हमें इन बातों का निश्चय है और हम इन बातों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमें इन बातों का पूरा भरोसा है और इसी को कहते हैं विश्वास। अब हम देखेंगे कि हमें विश्वास क्यों चाहिए। इब्रानियों की किताब उसका 11वीं अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। हर मसीही का मकसद यही है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न रहे। और अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो परमेश्वर हमारी बाहरी चीजों को नहीं चाहता है, जैसे हमारे पैसे या धन या फूल या कोई भी मन्नत। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर विश्वास रहे। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हमारे अंदर पूरा भरोसा होना चाहिए परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के लिए उत्तर जरूर भेजेगा। इसलिए परमेश्वर को खुश करने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमें विश्वास क्यों चाहिए। मरकुस 11:24 में इस प्रकार लिखा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें विश्वास करना है और परमेश्वर वो चीज हमें दे देगा। अगर हम प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते हैं तो हमारी प्रार्थना अनसुनी जाएगी। परमेश्वर चाहता है जो कुछ हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर हमें देगा, लेकिन हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। ये बात की विश्वास कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। तीसरी बात, हमें विश्वास कहां से मिलेगा। रोमियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर विश्वास की कमी है या मुझे विश्वास को बढ़ाना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए या तो परमेश्वर के वचन को सुनिए। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, ये हमारे अंदर विश्वास को जगाएगा। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हमारे अंदर कितना विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई समस्या आई और हमने इस विश्वास को त्याग कर प्रभु यीशु को छोड़ दिया तो हमारे पास तो कोई विश्वास है ही नहीं।
तो प्रभु के वचन के अनुसार हमारे अंदर कितना विश्वास होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि अगर हमारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो हम पहाड़ से कह सकते हैं, यहां से सरक कर वहां चला जा और वो हो जाएगा और हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। यीशु मसीह कहना चाहता है कि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो। हम सब जानते हैं कि राई का दाना कितना छोटा है, मतलब हमारे अंदर कम विश्वास भी हो तो भी हमारे मुश्किल अवस्था में हम डटकर सामना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर पहाड़ से कहें पहाड़ उठ जा और यहां से उत्तर से निकलकर दक्षिण चला जा, नहीं, वो मतलब नहीं है। वो हमारी पहाड़ रूपी समस्या के लिए है कि हमारी समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम हार नहीं मानेंगे, हम हमारा जीवन को नहीं लेंगे, लेकिन हमें भरोसा है प्रभु यीशु पर कि यीशु मसीह हमें इस समस्या से बाहर लेकर आएंगे। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए या फिर विश्वास के साथ क्या करना चाहिए? याकूब की पत्री 2:20 में इस प्रकार लिखा है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है तो वचन कहता है कि साथ में कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ विश्वास है। अब इसका क्या मतलब है? जब हम किसी गरीब इंसान को देखते हैं और हम देखते हैं कि उनको कुछ खाने की चीजों की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, और हम कहते हैं कि भाई या बहन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु आपको देगा, और हम कुछ नहीं करते हैं, तो वचन कहता है कि वो विश्वास बेकार है। अगर आपको विश्वास है कि परमेश्वर उस इंसान का स्थिति को बदलेगा तो जरूरी है कि उनको विश्वास के साथ साथ हम हमारा कर्म को भी उनको प्रकट कर दें, हम खुद उनको हेल्प करें, और वो है विश्वास के साथ कर्म। तो अगर हम कहते हैं हमारे पास विश्वास है लेकिन हम जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास बेकार है, हमारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। इसलिए प्रियो, जब भी हम कहते हैं कि हमारे अंदर विश्वास है तो जरूरी है कि उस विश्वास के साथ साथ कर्म भी हो। अब हम कैसे जानेंगे कि हमें क्या करना है? उसके लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं। मैं कहना चाहती हूं अगर आप इस प्रकार प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर जरूर आपके मन में सोच को डालेगा, विचार को डालेगा, या किसी के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा कि आपके जीवन से आप ये कर सकते हैं। और इसीलिए जरूरी है कि विश्वास के साथ हमारा कर्म भी हो। हमारा मसीही जीवन और विश्वास में क्या संबंध है? 2 कुरिन्थियों उसकी 5:7 में इस प्रकार लिखा है कि हम रूप को देकर नहीं चलते हैं पर हम विश्वास से चलते हैं। हमारे मसीही जीवन में हम इस संसार में रहते हुए हम उसका पूरा प्रतिफल को नहीं देख सकते हैं, हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है। आज का दुख, आज का निंदा, आज आप सहने वाले या उठाने वाले हर एक कुर्बानी का प्रतिफल स्वर्ग में है। हम इस संसार में उसको नहीं देख सकते हैं लेकिन हमारा सारा प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिल जाएगा। इसलिए जब भी हम इस विश्वास की दौड़ को दौड़ते हैं, याद रखिए चाहे इस संसार में हमें धन दौलत मिले या ना मिले, पदवी मिले या ना मिले, आदर मिले या ना मिले, हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है और हम विश्वास के साथ चलते हैं। हमें वो दिखाई नहीं देता है लेकिन हम विश्वास के साथ जीवन को आगे बिताते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? यीशु मसीह जब प्रार्थना किया तब यीशु मसीह प्रार्थना करते समय इस प्रकार कहा, हे पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूं अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो उसका सबूत यह है कि हम हमेशा प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हर इंसान का अपने जीवन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने परिवार, अपने बच्चों के बारे में ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, और हम चाहते हैं कि हम वो बने या ये करें, या हम वहां पर नौकरी करें, यहां पर हम लोग FD डालें, इतने पैसे हम इकट्ठा करें, फिर बाद में वहां पर इस्तेमाल करें या यहां पर खर्च करें। बहुत सारे सपने हैं हमारे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सपने रखना गलत है,
हम सपने रख सकते हैं, लेकिन ये सारे सपने जब हम प्रभु से शेयर करते हैं, हमारी प्रार्थना ये भी होना चाहिए कि प्रभु हम ऐसे ऐसे चाहते तो हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे विषय में सोचता है वो सबसे उत्तम है, प्रभु की उद्देश्य हमारे जीवन से सबसे बेस्ट है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हमारी मन की बातें प्रभु से शेयर करते हैं, हमें बोलना है प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आपकी इच्छा मेरी जीवन में पूरी हो जाए। बाइबल में विश्वास का पिता कौन है और उन्हें क्यों विश्वास का पिता कहकर हम बुलाते हैं? हम देखते हैं बाइबल में कि अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है, और उसका कारण यह है कि अब्राहम से परमेश्वर कहता है, अब्राहम तू अपने घर से निकल और जिस देश में मैं तुम्हें बताऊंगा उस देश में तू चल पड़। परमेश्वर अब्राहम को देश का नाम नहीं बताता है, अब्राहम परमेश्वर की बातें सुनकर निकल पड़ता है। उन्हें खुद नहीं पता है कि किस देश में मुझे जाना है, लेकिन परमेश्वर की बातों को सुनकर आज्ञा मानकर वो निकल जाता है। और परमेश्वर उसे कहता है मैं तुझे एक संतान दूंगा। 25 साल इंतजार करने के बाद अब्राहम को संतान मिलता है। अब्राहम जो है अपना विश्वास खोता नहीं है, अब्राहम अंत तक विश्वास रखता है कि परमेश्वर उन्हें संतान देगा, परमेश्वर वायदा किया हुआ देश में ले जाएगा। अब्राहम दृष्टि से नहीं चला पर विश्वास से चला, और इसलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहकर हम जानते हैं। विश्वास एक मसीही को अपने जीवन में कैसे मदद करता है? इफिसियों की पत्री उसकी 6वीं अध्याय में जहां पर हथियारों के बारे में बात की गई है, पौलुस कहता है कि विश्वास हमारे लिए एक ढाल है। पौलुस कहता है विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर हो जाओ। देखिए लोग अपने हाथ में ढाल तब रखते हैं जब दुश्मन का तीर या दुश्मन का हमले से बचना होता है। मसीहों के लिए इस संसार में कोई दुश्मन नहीं, सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन हमारा एक दुश्मन है और वो है शैतान। शैतान बहुत सारी तीर हमारे जीवन के खिलाफ भेजता है, और उसमें से बचना है तो हमारे हाथ में विश्वास का ढाल होना बहुत जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए शैतान आपके मन में तीरों को भेजेगा कि आप किसी बात के लिए अच्छे नहीं हो, आप किसी बात के लिए लायक नहीं हो, अरे तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब ऐसी विचार हमारे अंदर आएगा उस समय हमें इस विश्वास का ढाल को पकड़ना है और कहना है कि प्रभु मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ हूँ, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार जब आप विश्वास के शब्दों को कहेंगे तब शैतान का तीर जो है नष्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, आपके ऊपर हानि करने से वो कामयाब नहीं होगा। तो प्रियो आपके जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ने में कमजोर हो और शैतान इस बात को आपके अंदर डालता है अरे तू तो फेल हो जाएगा, तब अपने आप से कहिए प्रभु मेरे साथ है, मैं मेहनत करूंगा या मैं मेहनत करूंगी और प्रभु के मदद के साथ मैं पास हो जाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाऊंगा। तो विश्वास हमारे लिए एक ढाल है। जब भी हमारे अंदर शक आ जाता है, जब भी हमारे अंदर जो है बहुत सारी निराशा के विचार आ जाता है, तो प्रियो समय हो गया है कि हमारा विश्वास का ढाल को उठाइए। शैतान के हर एक तीर के खिलाफ हमें लड़ना है और इस ढाल के साथ हम अपने आप को बचा सकते हैं। हो सकता है आप कुछ दुख के समय से होकर जा रहे होंगे, शायद से वो कर्ज हो या बीमारी हो या टेंशन हो, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, विश्वास को थामे रखना, विश्वास को पकड़ना, और परमेश्वर की मदद के साथ आप जरूर इस समस्या से पार होकर जा सकते हैं। पौलुस दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 7 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपना दौड़ पूरी कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली किया है पौलुस ने, इसलिए पौलुस जानता है कि विश्वास को संभालना जरूरी है। इसलिए इफिसियों के पत्र में लिखा है कि विश्वास एक ढाल है, उस ढाल को इस्तेमाल करें, अपने विश्वास की लाइफ को बचा कर रखिए। इब्रानी उसका 11 अध्याय में हम विश्वास को थामे रखे हुए कुछ शूर वीरों का नाम को हम पढ़ सकते हैं। उसकी 4 आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, विश्वास ही के द्वारा हाबिल ने
कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया। अब अगर हाबील के पास विश्वास नहीं होता तो परमेश्वर उसका बलिदान को भी एक्सेप्ट नहीं करता। उत्तम बलिदान चढ़ाने के लिए भी हाबील को विश्वास की जरूरत पड़ा। हमारे जीवन में हमारा जीवन ही परमेश्वर के लिए एक बलिदान है। रोमियो 12:1 में पौलुस इस प्रकार कहता है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा लाइफ अगर परमेश्वर के लिए एक बलिदान करके हमें चढ़ाना है तो हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। उसकी 5वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा हानोक ने ऐसा जीवन बिताया कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको उठा लिया। अब परमेश्वर को प्रसन्न किया क्योंकि हानोक के पास विश्वास था। उसकी 7वीं आयत में हम नूह के बारे में पढ़ते हैं। नूह ने अपना विश्वास के कारण उस जहाज को बना पाया क्योंकि नूह ने तब तक एक जल प्रलय नहीं देखा था, लेकिन उसने प्रभु की बातों पर विश्वास किया कि परमेश्वर एक जल प्रलय भेजने जा रहा है, मुझे अपने आप को, अपने परिवार को और लोगों को जो है बचाना है, मुझे एक जहाज बनाना है। उस विश्वास के कारण वो परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी ठहरा। 8वीं आयत में हम अब्राहम के बारे में देख सकते हैं, जैसे पहले हमने सुना कि अब्राहम इसलिए निकल पड़ा परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। अगर परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहता है वो आप तब कर सकते हो जब हमारे अंदर विश्वास हो, आपके अंदर और मेरे अंदर विश्वास हो। 11वीं आयत में हम सारा के बारे में पढ़ सकते हैं कि सारा के अंदर भी विश्वास था। भले हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि उसने एक समय शक किया, लेकिन उसके अंदर विश्वास था जिसके कारण वो एक बच्चे को जो है जन्म दे पाई। असंभव को उसने संभव कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु पर विश्वास किया। प्रियो, आज आप बहुत बातों के लिए कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो तब संभव होगा जब आपका 100% विश्वास प्रभु यीशु पर है। प्रभु आपका 99% नहीं चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन का 100% विश्वास चाहता है। हमारा विश्वास क्या है? प्रियो, हमारा विश्वास ये है कि हम पाप में डूबे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर हमारे पापों का दंड अपने शरीर में उठा लिया, ताकि अगर हम प्रभु पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा है और हमारे पापों के लिए मरा, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को जो है स्वर्ग का राज्य या अनंत जीवन का वायदा किया है। तो प्रियो, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको अब भी प्रभु पर विश्वास नहीं है, तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाना या हमारे अंदर विश्वास को जगाना। हम सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह बहुत से रोगियों से कहता है कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, या विश्वास के कारण यह हुआ है। तो प्रियो, अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हम विश्वास के जीवन में स्थिरता से रहे, परमेश्वर से मदद मांगे और हमारी इस दौड़ को हम पूरा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मसीही भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।